सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में हम कवरअप करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। सो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर लिखा गया है हाउ टू फाइंड हाइपोटेनियस बेस एंड परपेंडिकुलर इन राइट एंगल ट्रायंगल। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में कुछ ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया दे दिया था और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और उसको डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कभी भी जो हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का बनाएंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही बनेगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में बनेगा। और इसमें हम लोग हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर ढूंढेंगे। किस तरीके से ढूंढेंगे? सबसे पहले हम लोग इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये 90 डिग्री में होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये थीटा लग जाता है। अभी यहाँ पे हम लोग इसका नाम रख देते हैं ए बी एंड सी। ए बी सी हमने इसका नाम रख दिया। अब ये जो नीचे का ये जो पार्ट है ये वाला, उसको हम लोग कहते हैं बेस, ठीक है। जैसे कि आप लोग पिज़्ज़ा बनाते हो तो पिज़्ज़ा का ये जो नीचे वाला जो पार्ट रहता है, जिस पे मतलब ब्रेड जिसे हम बोलते हैं, वो पिज़्ज़ा का बेस होता है ना। तो नीचे वाला ये जो पार्ट है ये इसका बेस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो लेफ्ट वाले जो साइड है इसका, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। अब इसके ये जो राइट वाला साइड, जिधर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं, ये वाला पार्ट, उसको हम लोग नाम रख देंगे, क्या नाम रखेंगे? हाइपोटेनियस, क्योंकि ये देखिए ये थोड़ा सा हाइपर है, थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग हाइपोटेनियस से डिनोट करेंगे। यहाँ पर भी देखिए हमने बिल्कुल सेम तरीके से ड्रॉ करा है, ठीक है। फिगर समझ में अब आपको क्लियरली हो गया, क्लियर हो गया फिगर कि किस तरीके से फिगर बनता है। सबसे पहले हम लोगों को इस तरीके से ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करना है? राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए हमने 90 डिग्री बना लिया है। अब इसका नाम रख देंगे ए बी सी। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। वाओ, वेरी गुड, आप तो समझ रहे हो। इसको क्या बोलेंगे? ए सी वाले पार्ट को हाइपोटेनियस बोलेंगे। बहुत अच्छे। अब ए बी वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आप तो सीख रहे हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिया हुआ है कि साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसका जो वैल्यू होता है वो तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कवर अप करा दिया है। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कहाँ पे परपेंडिकुलर लगेगा, कहाँ पे हाइपोटेनियस लगेगा, कहाँ पे बेस लगेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे। देखिए साइन थीटा जो होता है, हम लोग पहले यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे पहले साइन लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, टैन लिखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, मैं ऐसे किसी कंट्री का इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी देखिए, पर देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से साइन में लगेगा पी बाय एच, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस में लगेगा बेस बाय हाइपोटेनियस, टैन में लगेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। उसके बाद कोसेक का हम लोग याद करते हैं, कोसेक, सेक, कॉट, ये तीनों है। अब हम लोग इसका कैसे याद रखेंगे? हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, है ना। कोसे का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। सेक का हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस। कॉट का हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। किसने अच्छे तरीके से, हमने ईजिली तरीके से याद किया? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है। तो साइन का क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस का हो गया बेस बाय हाइपोटेनियस। टैन का हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। कोसेक का हो गया हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। सेक का हो गया हाइपोटेनियस बाय बेस। कॉट का हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आज के इस वीडियो में हमने बेसिक तरीके से कवर अप करा है ट्रिग्नोमेट्री, एंड आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए ऑन द रेगुलर बेसिस पोस्ट करते रहूँगी। एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं भी डाउट आया हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, या मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो, या ये पाकिस्तान भूखा प्यासा अच्छा लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।